और एक सांसद है जो अभी पहुंच चुके हैं बहुजनों की राजनीति के नाम पर, नाम आप बखूबी जानते होंगे, चंद्रशेखर आजाद। इनके लिए मैं कुछ नहीं कहूंगा, इनके लिए ऐसे जो लोग थे उनके लिए सबका श्रीराम जी कह चुके हैं कि ऐसे लोग, मैं यहाँ पे थोड़ा शब्द इस्तेमाल करूंगा जो सबका श्रीराम ने कहा था भाई, जो मूत में आए जा की तरह होते हैं, एकदम उफान में आते हैं और एकदम चले जाते हैं। सत गौतम बुद्ध से लेकर के सब काशीराम तक का जो ये पूरा मूवमेंट 2500 साल का, ये हमारा सिर्फ और सिर्फ समाज के अंदर बराबरी का जो भागीदारी, हमारी हिस्सेदारी है, उस हिस्सेदारी और भागीदारी का मूवमेंट के जो लोग हैं वो हताश निराश नहीं होते हैं। बहुजन समाज पार्टी और इनलो का गठबंधन हरियाणा में आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर जो देखा जा रहा है, बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद, इसके साथ साथ इनलो के महासचिव अभय चौटाला, इनकी संयुक्त लोकसभा स्तरीय बैठकें जारी है। मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि कार्यक्रम लगातार जारी है और आसपास जो है वो यहाँ पर तमाम जो युवा है जो हरियाणा का सजग और तमाम परेशानियों समस्याओं को लेकर जो अवगत युवा मेरे साथ खड़ा है और इन तमाम युवाओं से जानने समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस कार्यक्रम में उनकी मौजूदगी की क्या मायने हैं, क्यों यहाँ पर आए हुए हैं और हरियाणा में जो आने वाले विधानसभा के चुनाव इसको लेकर उनकी क्या सोच है। सर कहाँ से है, क्या नाम है बताएं? मेरा नाम मंजीत चौहान है, मैं यही झज्जर से हूँ, गांव बाबेपुर है। जिस तरीके से अब लगातार बीजेपी सरकार बना रही है, क्या नहीं लगता कि इस बार भी बीजेपी फिर एक बार वापसी करेगी? खट्टर की सरकार देख ली, अभी सैनी की सरकार है, क्या फिर एक बार बीजेपी की सरकार नहीं आ सकती? नहीं नहीं नहीं, ये बहुत ही कठिन काम होगा बीजेपी के लिए। पिछले इलेक्शन में इन्होंने कहा था अब की बार 75 बार और इन्होंने सरकार बनानी ओखी हो गई थी इनके लिए, इन्होंने गठबंधन में जाके सरकार बनाने का काम किया था। अब की बार तो और भी हालात बुरे चल रहे हैं बीजेपी के, इन्होंने अपने सीएम बदलने का भी काम किया, ओबीसी का ये सीएम ले गए जो कि खास प्रभाव नहीं डालते ओबीसी की वोटों पे, क्योंकि तमाम समाज का जो वर्ग है, जो एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, जनरल हो, किसान के मेरा जो भी कुछ है, इनसे सभी दुखी हैं, इन्होंने सबको हाथ करने का काम किया है, तो लगता नहीं कि किसान के मेरा आपके बारे इनके साथ जाएगा। किसान जो ये लोकसभा चुनाव गया इसमें 10 जो सीटें थी लोकसभा की उसमें से 5 बीजेपी जीती, 5 कांग्रेस ने जीती, तो कांग्रेस ने जिस तरीके से जो वापसी की है इससे तो गठबंधन को नुकसान पहुंचेगा, यह नहीं लगता? नहीं नहीं, लोकसभा और विधानसभा का चुनाव में कुछ ना कुछ तो डिफरेंट होता ही है, ऐसा नहीं है। बीजेपी ने पिछली बार 10 सीटें जीतने का काम किया था लेकिन फिर भी वो सरकार नहीं बना पाई, अब की बार तो 5-5 बटी है, इससे ये तय होता है कि अब की बार हरियाणा में पूरी सरकार किसी की नहीं बन रही, और गठबंधन होने के बाद ये बिल्कुल ही तय हो गया कि हरियाणा में पूरी सरकार किसी की नहीं बन रही, और गठबंधन मुझे लगता है कि पूरी पूरी कोशिश रहेगी युवाओं की, तो मेरे वर्ग की गठबंधन को जिताने का काम करेंगे, युवा बिल्कुल सहज हो चुके हैं, ये गठबंधन के साथ में जाएंगे, किसान के मेरा, युवा, बेरोजगार जो हो चुके हैं ये सभी गठबंधन के साथ में जाएंगे और गठबंधन की सरकार बनाने का काम करेंगे। मुद्दे देख रहे हैं, मुद्दे क्या है, क्योंकि जब जब भी हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं तो जो युवा है वो कहने के नशा या फिर बेरोजगारी को लेकर काफी ज्यादा त्रस्त दिखाई देता है, कितनी ज्यादा सच्चाई है इस बात में, क्या लगता है? बेरोजगारी कितनी महसूस हो रही है? बेरोजगारी बहुत ज्यादा, जो नशे में, जो कहने के खास तौर पर पंजाब या हरियाणा ये युवा जो नजर आ रहा है, इसके पीछे का कारण क्या लगता है आपको, क्या कारण हो सकते हैं? थोड़ा आगे आ जाइए इधर। ऐसा कि देखो, युवा जो नशे की तरफ जा रहे हैं, इसका सबसे बड़ा कारण तो मैं यही कहूंगा कि बेरोजगारी ही है। जब युवाओं के पास काम नहीं होंगे, जब युवाओं के पास काम नहीं होंगे, नौकरी नहीं होगी, रोजगार नहीं होंगे, वे खाली हो जाएंगे और खाली दिमाग शैतान का घर होता ही, फिर वो बदमाशी में, अनफंड कामों में, सजा देता तो जैसे काम करने का, नशे के हाल है जैसे नशे में जाने का काम, तो जाहिर सी बात आप भी समझते होंगे होंगे ही, जब रोजगार नहीं होगा तो नशे की हालत में तो होंगे ही वो। ये जो नीला गमछा है इसके पीछे का क्या कारण है? नीला गमछा ये बहुजन समाज पार्टी और बहुजन मिशन मूवमेंट की, बाबा साहब अम्बेडकर विचारों का रंग है ये, और इसे पहन के हमें बड़ा गर्व होता है, इसे ओढ़ कर हमें बड़ा गर्व होता है, और ये पहनकर हम भी समाज के बीच में जाते हैं कि बताते हैं कि यहाँ पे बाबा साहब के विचारों की पार्टी भी, बहुजन समाज पार्टी भी आप लोगों के बीच में है, जो इस देश में समानता स्वतंत्रता कायम करने का काम करेगी। जो युवा आप है और आप मान अपमान, मान सम्मान काफी ज्यादा, इस चीज के हम जब एजुकेशन लेते हैं तो इसका बहुत फील होता है, जातिवाद कहने के जो है हरियाणा में देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, जातिवाद देखो, जाति है तो जातिवाद है, ये बात आज की नहीं है, ये लगभग आप ये लगा लो जो मूवमेंट है, ये हमारा जो मूवमेंट है समतामूलक समाज का,
सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट हो, चाहे साउथ में जो चला था, चाहे फुले अंबेडकरी जो आंदोलन है इसका मूवमेंट हो, ये सभी मूवमेंट एक है। और ये मूवमेंट ये किसी पूंजीपति के खिलाफ या किसी धन्ना सेठ के खिलाफ नहीं चले थे, ये हमें एक समाज में सोशल जो रिस्पेक्ट है, सामाजिक हमारा जो भाईचारा है, वो आज हम जिस जो भी हम आज चाहे हरियाणा की बात हो, चाहे पंजाब की बात हो, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ये जो उत्तरी बेल्ट है देश की, इसमें आज कहीं ना कहीं हम स्ट्रगल करते हुए नजर आते हैं। इसमें लगातार ये लगा लो आप तथागत गौतम बुद्ध से लेकर के साहब काशीराम तक का जो ये पूरा मूवमेंट 2500 साल का, ये हमारा सिर्फ और सिर्फ समाज के अंदर बराबरी का जो भागीदारी, हमारी हिस्सेदारी है, उस हिस्सेदारी और भागीदारी का मूवमेंट है, जिस जिन्होंने साहब काशीराम ने इस मूवमेंट को ये कहा था कि भाई मैं नहीं था तो मेरे से पहले बाबा साहब अम्बेडकर ने मूवमेंट चलाया। वो किसके खिलाफ चलाया? वो एक जाति व्यवस्था, सामाजिक जो उत्पीड़न था, आडंबर था, इन सभी के खिलाफ चलाया बाबा साहब। ये जो सामाजिक परिवर्तन का जो आंदोलन की आप बात कर रहे हैं, राजनीतिक तौर पर देखा जाए अब तो कहने के जो मसला है वो पूरा शून्य पर आ चुका है, तो अब इससे हताशा निराशा नहीं लग रही? देखिए, जो मूवमेंट के जो लोग हैं वो हताश निराश नहीं होते हैं, और इस मूवमेंट का जो पूरा नाम है सामाजिक मुक्ति और सामाजिक मुक्ति और आर्थिक मुक्ति का जो आंदोलन है, ये हमारा आंदोलन है। और इसमें आप एक, मैं किस्सा छोटा सा एक मिनट का लूँगा कि जब मनोहर साहब काशीराम जी महाराष्ट्र गए थे तो उनसे उन्होंने कहा कि जो ये आंदोलन है इसको आप आगे बढ़ाओ, तो महाराष्ट्र के लोगों ने क्या कहा कि हम इसे MLA या MP नहीं बन सकते। तो साहब काशीराम ने एक छोटा सा सवाल उनसे किया था कि आप ये बताओ कि मूवमेंट को चलाने के लिए या जो साहब काशीराम जो मन बाबा साहब का जो आंदोलन है, कारवा है, जो छोड़ के गए थे, उसको चलाने के लिए आप ये बताओ MLA MP बनना जरूरी है? तो उन्होंने कहा कि साहब ये तो जरूरी नहीं है। तो आपने, आपकी मैं बात को रेफर कर रहा हूँ कि इस आंदोलन को चलाने के लिए जरूरी नहीं है कि हमें MLA या MP बनना है या बनाना है। ये एक वो साहब काशीराम वाली बात है कि चाहे हम राजनीतिक तौर पर सफल हो या ना हो, लेकिन जो सामाजिक परिवर्तन का जो आंदोलन है ये लगातार चलता रहना चाहिए, और इसलिए हम हताश और निराश बिल्कुल नहीं होते। हमारा जो कारवा है आज, चाहे गठबंधन से हरियाणा में इनेलो और बसपा के साथ किसान और कमेरे वर्ग की आप जैसे रैली देख रहे हो, यहाँ पर युवा वर्ग का जो काफ़ी उत्साह है, चाहे ये बात हो, चाहे हम तमाम जो लोकसभा में हम अकेले लड़े थे चाहे वो बात हो, चाहे हम उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा में लड़े थे वो बात हो, हमारी जो सीट जीतना या ना जीतना ये सिर्फ राजनीतिक तौर पर देखो उठापटक सबकी चलती रहती है। भारतीय जनता पार्टी 1980 में बनी थी, उनके पास कोई सांसद ही नहीं था, 1982 में 2 सांसद चुन के आए। सांसद की आपने बात की, एक और एक सांसद है जो अभी पहुंच चुके हैं बहुजनों के राजनीति के नाम पर, नाम आप बखूबी जानते होंगे, चंद्रशेखर आजाद। जिस तरीके से आंदोलन की भूमिका से, आंदोलन के पूरे मसले से निकलकर उन्होंने जो अपनी राजनीति खड़ी की और वो संसद में पहुंचे, क्या कहेंगे चंद्रशेखर आजाद को लेकर आज जो बहुत बड़ा जो युवा है वो उनके तरफ सबसे ज्यादा आकर्षित होता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, चंद्रशेखर आजाद जी समाज के हैं, इनके लिए मैं कुछ नहीं कहूँगा, इनके लिए ऐसे जो लोग थे उनके लिए साहब काशीराम जी कह चुके हैं कि ऐसे लोग, मैं यहाँ पे थोड़ा शब्द इस्तेमाल करूँगा जो साहब काशीराम ने कहा था, भाई जो मूत में आए जा की तरह होते हैं, एकदम उफान में आते हैं और एकदम चले जाते हैं, ऐसे लोग समाज में आज बहुत ज़्यादा घूम रहे हैं नीला पटका पहनते हुए। लेकिन जो नीला पटका असल में जो अम्बेडकरी आंदोलन है वो पहले तो हमें समाज को समझना पड़ेगा, अगर राजनीति मजबूत करनी है तो समाज की जो भी मुख्य धारा में लोग हैं या जो भी नहीं है, जो छूट गए हैं पीछे, उनको सबको समझ करके एक मुख्य धारा में लाना पड़ेगा। जैसे आप मनोहर साहब काशीराम का हम नाम लेते हैं, तो मनोहर साहब काशीराम ने एक जाति या एक व्यक्ति की राजनीति नहीं की थी, उन्होंने 85% बहुजन समाज की राजनीति की थी, और उन्होंने एक बात भी कही थी कि जो मोतियों की माला है उनमें एक एक मोती एक एक समाज का जुड़ा हुआ है, और ये मोती अगर बिखर जाएगा तो ये माला टूट जाएगी, तो मन के रह जाएंगे, लेकिन हमें क्या करना है, हमें वो मजबूत माला बनानी है। इसलिए बहुजन समाज बनाना और राजनीति में सफल होना ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो राजनीति में कोई सफल हो सकता है या कोई ज्यादा हो गया कोई कम हो गया, लेकिन असल में जो आंदोलन है वो बहुजन समाज बनाने का आंदोलन है, और इसमें जो आजकल के जो युवा लोग हैं वो ज़्यादा भ्रमित हो रहे हैं। इसके लिए हमारे जैसे जो साथी वो प्रयास कर रहे हैं, तमाम पूरे देश के अंदर प्रयास कर रहे हैं, और ऐसा जो दौर है वो आज ही नहीं आया सिर्फ। ये जो तमाम आपने बातें कही, बड़े पैमाने पर जो हमारे चैनल को देखा जाता है, युवा वर्ग भी देखता है, बिल्कुल हम भी देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे तमाम ऐसे बहुजन समाज के युवाओं को जो मिशन और मूवमेंट को समझ नहीं पा रहे,
या फिर उन्हें कहीं सही राह नहीं मिल पा रही, उनको क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सावकाश श्रीराम ने जब आंदोलन शुरू किया था तो उन्होंने नौकरी छोड़ने के बाद एक बहुत ही लंबा समय, लगभग 20 सालों का समय समाज में गुजारा था। उस समय की जो स्थिति थी, उस समय साहब काशीराम ने समाज को बड़े बारीकी से समझा और बारीकी से समझ करके साहब काशीराम ने एक पूरी मूवमेंट को तैयार किया कि हमें इस देश का हुक्मरान बनना है। उससे पहले उन्होंने क्या किया कि जो सरकारी कर्मचारी थे उनके लिए बाम सेफ बनाया, बाम सेफ के माध्यम से, बीवीएफ के माध्यम से, बुद्धिस्ट रिसर्च सेंटर, ताकि हमें एक कल्चरल हेजेमनी जो हम अपनी कायम कर पाए। हम आज तक तो दूसरों के रीति रिवाज, दूसरों के सारी चीज़ें फॉलो करते रहते हैं, लेकिन साहब काशीराम ने एक बड़ा अल्टरनेट दिया जिसकी बात आज तक बहुत कम हुई है। बीआरसी, बुद्धिस्ट रिसर्च सेंटर, जो सामाजिक जो था आंदोलन हमारा, उससे एक और करके सांस्कृतिक जो आंदोलन, उससे अलग हटके जो सांस्कृतिक आंदोलन था उस पर साहब काशीराम जी आगे बढ़े, सामाजिक मूवमेंट में आगे बढ़े, युवाओं को लेकर के साहब काशीराम जी ने, आप ये लगाओ उस समय साहब काशीराम नर्सरी मानते थे कि जो कैडर है, आपने बात की कि जो युवा है उनको कैसे मिशन मूवमेंट में लाया जाए, जो नर्सरी है वहीं तो पौधे तैयार होते हैं, तो नर्सरी जो साहब काशीराम का जो कैडर है वो नर्सरी है, उसी से लोग तैयार होंगे। और जो उससे वो साहब कहते थे कि हम तो सारी चीज़ों में साहब को कोट करते हैं कि जो साचा बन गया ना एक बार, जो बीएसपी का साचा बन गया, वो किसी दीवार में फिट नहीं होगा। चाहे किसी भी पार्टी में चला जाओ, किसी भी संगठन में चला जाओ, किसी भी दल में चला जाओ, किसी भी पंथ में चला जाओ, किसी भी समुदाय में चला जाओ, जो बहुजन समाज पार्टी का बना हुआ है, जो कैडराइज कार्यकर्ता है, वो आकर के बहुजन समाज पार्टी में ही शिफ्ट होगा, वहीं पर फिट बैठेगा। तो ये जो कैडर है, ये हमें दोबारा ग्राउंड लेवल पे शुरू करने की ज़रूरत है। तो आपके चैनल के माध्यम से तमाम वो जो कैडर देने वाले लोग हैं, जो साहब के साथ काम कर रहे हैं, उनसे भी मैं आग्रह करता हूँ कि हमारे जैसे जो नए बच्चे हैं, नई जो प्योद है, नर्सरी में आकर के आप उन पौधों को तैयार करिए, ये समाज है आपके लिए तैयार बैठा है। यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें हम यहाँ लोगों से बातचीत और चर्चा करने की कोशिश कर रहे थे। बहुजन समाज का युवा ये कहने के मिशन और मूवमेंट से जुड़ना आखिर क्यों समय की मांग है, यही आज के हमारे पूरी चर्चा का, पूरी की पूरी बातचीत का एक सारांश देखने को मिलता है। क्योंकि ये बहुजन समाज का युवा मिशन और मूवमेंट और विचारधारा से नहीं जुड़ेगा तो ये तमाम तरीके से उन चीज़ों में कहने के अपने आप को लुप्त कर लेगा जो उसके लिए सबसे ज़्यादा घातक है, चाहे फिर वो नशा हो या फिर अनेकों तरीके से गलत आदतें हो या फिर समाज में एक अराजकता फैलाने के लिए तैयार किया गया एक तत्व हो। आज पूरी की पूरी चर्चा को लेकर तमाम युवाओं ने जो अपनी बातें रखी है, इसको लेकर आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया क्या है, लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।